हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायोवाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग एमए या फिर आप एमएससी कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी के चौथे पेपर, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपके साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं में आपका अगर जियोग्राफी है, अगर आप एमएससी करें माइनर में जियोग्राफी है, अगर आपको चौथा पेपर मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022-23 का देखेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 75 मार्क का है, 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करना था। पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, पेपर 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए बी एंड सी। जो सेक्शन ए है उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया गया आपसे, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, एरियल फोटोग्राफ्स क्या है, वायु फोटोचित्र जिसको बोलते हैं, रेजोल्यूशंस क्या होता है जिसको विभेदन कहते हैं, रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स क्या है, सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म्स क्या है, सेंट्रल प्रोटेक्शन क्या होता है, केंद्रीय प्रक्षेपण क्या है, स्पेटियल रिजोल्यूशन क्या होता है, डिजिटल इमेज क्या है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ठीक, पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, सम सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, क्या उसका इम्पॉर्टेंट होता है रिमोट सेंसिंग का, वो आपसे पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या है उसके बारे में आपसे पूछा। डिस्कस द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इन द एरियल फोटोग्राफ, वायु फोटो चित्र में उच्चावच विस्थापन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जनरल ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एरियल फोटोग्राफ्स एंड मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, वायु फोटोचित्र की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि त्रिगुत्री प्रश्न, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, उनमें से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन अटेंड करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इमेज, इंटरप्रेटेशन, इलुसाइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन डिराइविंग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैटेलाइट इमेज, यानी कि प्रतिबिंब निर्वचन के तत्व क्या है, उपग्रह प्रतिबिंबों से भौगोलिक सूचनाओं की प्राप्ति में उनके महत्व का विवरण या फिर विस्तरण कीजिए। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेरियस रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म, जो डिफरेंट प्रकार के वेरियस सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसर, आप सेंसर से क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द सेंसर, डिस्क्राइब ऑल सेंसर रिजोल्यूशंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। तो ये आपके सभी क्वेश्चन थे 3 सेक्शन के। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें।